तमिलनाडु में वर्धा तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। इस तूफान से राज्य में 10 लोगों की मौत होने की खबर है, जिनमें 4 लोग चेन्नई के, 2 कांचीपुरम, 2 तिरुवल्लूर, 1 विल्लुपुरम और 1 मौत नागापट्टनम में हुई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को जब शक्तिशाली तूफान का पहला हिस्सा तट से टकराया, उस वक्त हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वर्धा के कारण तेज हवाएं चली और भारी बारिश से पूरा तमिलनाडु पानी पानी हो गया। वर्धा तूफान आने की वजह से चेन्नई समेत तटीय इलाकों में रात जैसा अंधेरा छा गया था। तेज हवा से सड़कों के आसपास लगे पेड़ उखड़ गए, कई गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई। वर्धा तूफान इतना शक्तिशाली था कि चेन्नई में एक 5 सितारा होटल की दीवार में लगे कांच के शीशे भी टूट गए। वहीं आंध्र प्रदेश में तेल ले जा रहा एक टैंकर सड़क पर पलट गया। वर्धा तूफान की वजह से अभी तक 47 आशियाने तबाह हो चुके हैं। हालांकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तबाही मचाने के बाद वर्धा कमजोर पड़ गया है। अब वर्धा पश्चिम दक्षिण की ओर बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर में स्कूल कॉलेज आज भी बंद रहेंगे। वहीं एनडीआरएफ की टीमें अब राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। जैसा कि आशंका जाहिर की जा रही थी, चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु में काफी कहर मचाया। 10 लोगों को वर्धा ने निकल लिया और तूफान के चलते राज्य में काफी नुकसान भी पहुंचा है। देखते रहिए डीबी लाइव।